हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम घर पे पेन पेंसिल डेकोरेट करेंगे, वो भी पेपर से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे एक पेपर लिया जिसे मैंने अच्छे से फोल्ड कर लिया है और बीच में से फेविकोल लगा के इसे पेस्ट कर लिया है। अब मैंने एक और फोल्ड किया है और इस पर मैंने लीफ की शेप ड्रॉ की है। अब मैं इसे कट करूँगी और बीच में ऐसे इसके कट लगा दूँगी, बिल्कुल जैसा दिखाया जा रहा है बिल्कुल ऐसे कट लगाएँ। आप देख सकते हैं ये मैंने लीफ शेप बना ली है। अब हम नीचे के साइड से इसे थोड़ा सा ओपन कर देंगे इसे और डेकोरेट करने के लिए। मैं इसके ऊपर लगा रही हूँ ये स्टोन्स, मैंने इस पर फेविकोल पेस्ट कर लिया है। अब मैं इसके ऊपर ये स्टोन पेस्ट कर दूँगी। मैंने यहाँ पे एक पेन का रिफिल लिया जिसे मैंने कलर्ड पेपर से कवर कर लिया है। अब मैं इसको बीच में इसके पेस्ट कर दूँगी और मैंने एक फॉर्म शीट से एक बॉ का पैटर्न ड्रॉ किया है और मैं इसे इसके सेंटर में पेस्ट कर दूँगी और इसे हम सूखने के लिए छोड़ देंगे। तो चलिए हम नई पेंसिल की तरफ चलते हैं। मैंने यहाँ पे पेपर के ऊपर एक डॉल ड्रॉ की है, आप इसे कट कर लें। उसके बाद मैंने यहाँ पे यूज़ किया एक पेपर, पेपर के अंदर मैंने स्लिट लगाई है और नीचे से हम कोन बनाएंगे। नीचे से इसे परफेक्ट शेप में कट कर लें। अब उसके बाद देख सकते हैं ये मैंने डॉल के ऊपर पेस्ट कर लिया है और पेपर से थोड़े से डिज़ाइन मैंने इसके ऊपर चिपका लिया है। मैंने पेंसिल के ऊपर एक पेपर को रोल किया है और इसे पेस्ट किया है। हम देख सकते हैं इसके अंदर हम इजीली अपनी पेंसिल को इंसर्ट कर सकते हैं। अब मैं इसे नीचे से डिज़ाइन डाल के कट करूँगी जिससे ये और अट्रैक्टिव लगे। अब मैं इसे और डेकोरेट करने के लिए ब्लैक पेपर की स्ट्रिप्स इसके ऊपर पेस्ट कर दूंगी। अब हम नीचे की साइड जो हमने ये पेंसिल के ऊपर डाल के ये पेपर रोल किया, तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट पेंसिल की तरफ। मैंने यहाँ पे पेपर लिया है जिसे मैंने एक लंबा पीस पेपर का ले लिया है और मैं इसे फोल्ड कर रही हूँ जैसा वीडियो में दिखाया जा रहा है। और अब मैं इसे जो साइड से हमने बंद किया है उस साइड से हम इसे कट कर देंगे। ऐसे हमने इसके अंदर स्लिट्स डालने हैं। मैं ग्रीन पेपर का यूज़ कर रही हूँ। इसके ऊपर हम एक ग्रास का पैटर्न कट करेंगे। देखिए अब मैंने सेम पेंसिल के ऊपर पेपर को रोल करके एक अब मैं इसके ऊपर फेविकोल लगा रही हूँ और उसके ऊपर हम ये ऑरेंज पेपर को पेस्ट कर देंगे। देखिए ये मैंने रोल कर लिया है। मैं यहाँ पे ये ग्रीन ग्रास पेस्ट कर दूँगी और मैं यहाँ पे दो ग्रीन लीव्स पेस्ट कर रही हूँ, आप देख सकते हैं। अब हम चलते हैं थर्ड पेंसिल की तरफ। उसके लिए मैंने मिकी माउस के फेस का पैटर्न ड्रॉ किया ब्लैक चार्ट पर। उसके अंदर सेम वैसे ही हम पेंसिल के ऊपर डाल के पेपर को रोल करके इसके बीच में पेस्ट कर देंगे। आप देख सकते हैं पेंसिल डेकोरेशन कितनी सुंदर लग रही है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कॉमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।